योगी का डंडा, माफिया पड़ा ठंडा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का जो बीड़ा उठा चुके हैं, अब उसी में ये अगला क्रम है। उत्तर प्रदेश में एक एक करके सभी माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर, एक एक करके तमाम माफियाओं के ऊपर एक्शन ले रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। मेरठ में ऐसे एक माफिया बदन सिंह बद्दो, जो 2.5 लाख का इनामी बदमाश है, उसके शाही बंगले को आज कुर्क कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा था किस तरह से भू माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बड़ी खबर ये कि इसी कड़ी में अगला नाम है माफिया बदन सिंह बद्दो का, 2.5 लाख का इनामी बदमाश ये है, और उसके शाही बंगले को आज कुर्क कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक एक करके तमाम माफियाओं की कुंडली अब खंगाल रही है, और इसी कड़ी में अगला नाम है बदन सिंह बद्दो का। और इसी के साथ ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरह से कुर्की करने के पहले मुनादी की गई। आप देखिए, ये ढोल की आवाज आपको सुनाई देगी और पीछे पुलिस अधिकारी चलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके बाद बंगला किस तरह से यहां पर पहुंच करके कुर्क हुआ है, वो तस्वीर भी आपके सामने, बड़ी संख्या में यहां पर आसपास के लोग भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ऑपरेशन क्लीन ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रहा है। तमाम भू माफियाओं के ऊपर एक एक करके एक्शन ले रही है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। दो तस्वीरें आपके सामने है, कुर्की के पहले मुनादी। पहली तस्वीर में आप देखिए, ढोल के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं, मुनादी कराई गई, पूरे इलाके में घूम घूम करके ऐलान करवाया गया, और उसके बाद किस तरह से बंगला कुर्क किया गया, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और अब देखिए, ये तीन तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, मुख्तार अंसारी के बंगले पर कैसे चला था बुलडोजर, ये आप देखिए, धड़ाम हो गई, जमींदोज हो गई उसके आलीशान बंगला, ये बिल्डिंग। उसके बाद डॉन पर योगी का बुलडोजर चला बीच में, वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और गाजीपुर की ये तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, इसका मतलब एक एक करके तमाम भू माफियाओं के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है। गाजीपुर की ये तस्वीर, यहां पर होटल जो था उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, मुख्तार अंसारी का ये होटल, गजल नाम आपको याद होगा, किस तरह से उसको गिराया गया। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, आप टोलरेट नहीं किया जाएगा इस तरह के भू माफियाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ न्यूज रूम से, हिमानी नैथानी है मेरे साथ जुड़ी हुई, इसके अलावा लखनऊ से तुषार भी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमानी, मैं आपका रुख कर रही हूं, एक एक करके तमाम भू माफियाओं के ऊपर किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, वो तस्वीर दर्शकों को हमने दिखाई है। आगे इस कड़ी में किसका नाम है, अपडेट आपके पास क्या? बिल्कुल, जैसा कि शालिनी आपसे थोड़ी देर पहले आप यहां पर दिखा रही थी, बदन सिंह बद्दो किस तरह से पिछले 20 महीने से फरार चल रहा है, 2.5 लाख का इनाम, उसकी जो शाही बंगला है उसकी कुर्की कर दी गई है। लेकिन एक और नाम अगर मैं कहूं तो दाऊद का गुर्गा यानी कि अबू सलेम की बात करूं, जो कि अभी फर्जी पासपोर्ट के मामले में भले ही जेल में है, लेकिन उसके जो भी तमाम करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि उन्हीं अवैध संपत्तियों को लेकर उसका भाई जो है अबू सलेम का, उसको लेकर अभी लखनऊ में ही चंद रोज पहले ये शिकायत की गई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी का ही ये मामला था जिसे लेकर ये जांच चल रही थी, उसी सिलसिले में ये शिकायत भी सामने आई थी, और अब उस पर भी जो उसके करीबी हैं उन पर भी ये शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो नेटवर्क है और ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे 40 माफिया है जिन पर नजर तरेरी हुई है, नजर टेढ़ी हुई है योगी आदित्यनाथ की, उनकी सरकार की। और आपको बता दूं कि अब तक ऐसे 300 करोड़ की संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति है उसकी कुर्की की जा चुकी है या फिर उसको बंद कर दिया गया है, जो तरह के धंधे हैं या वैध धंधे हैं जिसमें एक मुख्तार अंसारी की हम बात करें। बिल्कुल, लेकिन ये क्रम यहाँ पर रुकने वाला नहीं है हिमानी, 2.5 लाख से 3 लाख जैसा अभी आपने बताया रुख पे। जल्दी से तुषार का भी कर लेती हूँ। तुषार, बदन सिंह बद्दो मामले की अगर हम आगे बात करें तो इस पूरे मामले में अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो बदन सिंह बद्दो अप्रैल 2019 से फरार चल रहा है, पुलिस की अभिरक्षा से वो फरार था हुआ है, और अब तक आपको बताया कि सबसे बड़ा इनामिया बदमाश है। और यही नहीं, बदन सिंह बद्दो के ऊपर तो कार्रवाई चल रही है, कुर्की के आदेश है, उसके बाद कोर्ट से पुलिस आदेश लेगी और घर को नापा जाएगा कि अगर वो अवैध होगा तो उसको भी ढहाया जाएगा। अगर आपको बताया तो परिवार को जो सूत्रों के हवाले से मालूम चल रहा है, बदन सिंह बद्दो ने ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दिया है और वो खुद इस वक्त भारत में कहीं छिपा बैठा
बैठा हुआ है जिसको पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। दूसरी तरफ 25 माफियाओं की हिट लिस्ट को तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे इस वक्त मैं खुद डीजीपी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और यहीं पे आज सैटरडे है, सैटरडे में हाफ डे रहता है अधिकारियों का, लेकिन अभी भी वो लिस्ट लगातार तैयार की जा रही है। 25 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिनके घर को गिराया जा सकता है, जिनके ऊपर आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह से। 25 माफियाओं की लिस्ट का आपने जिक्र किया, उसमें नाम कौन कौन से है, इसके बारे में इनपुट क्या मिल रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ा नाम है तो वो बबलू श्रीवास्तव का है। बबलू श्रीवास्तव इस वक्त जेल में है, अपहरण किंग माने जाते थे, वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है ब्रजेश सिंह, जो खुद भाजपा से एमएलसी भी हैं। त्रिभुवन सिंह गाजीपुर के रहने वाले हैं, संजीव जीवा हैं, सलीम सोहराब रुस्तम है, मुनीर है, खान मुबारक, आकाश जाट, योगेश भदौरा, अजीत उर्फ हप्पू, सुनील मूज, अमित कसाना, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, सिंह राज भाटी, अंकित गुर्जर, सुभाष सिंह, ध्रुव कुमार सिंह, उमेश राय, लल्लू यादव, अजय सिंह सिपाही, रमेश सिंह काका, रामू द्विवेदी, बच्चा पासी, राजेश यादव और मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी। इन सभी अपराधियों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई है, कुछ इसमें से जेल में है और ये पूर्वांचल से लेके सुना आपने। अभी कई नाम और है, कई लोग और नपने और अधिकारियों ने इन तमाम लोगों की कुंडली खंगालने को कह दिया है, जिनके नाम तुषार बता रहे हैं। बिल्कुल, और शालिनी इतना ही नहीं, देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, एक जनसभा से ऐलान भी किया गया था योगी आदित्यनाथ की ओर से कि जो ये एक्वायर की जा रही है संपत्ति, उन पर गरीबों के लिए जो घर है वो बनाया जाएगा। देवरिया की एक जनसभा जिसमें गरीबों के लिए ये ऐलान किया गया था योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ ये कुर्की की जा रही है, इनका जो नेटवर्क है उनको ध्वस्त किया जा रहा है, और दूसरी तरफ गरीबों के लिए घर बनाने की बात उसमें योगी सरकार की ओर से की जा रही है। और वाकई में ये लिस्ट अभी यहीं पर थमी नहीं है, आप देखिए कि कितने तो यहां पर आपको तुषार ही गिनवा चुके हैं कि अब इन पर निशाना है, अब तक इतनों पर निशाना चल चुका है, हंटर चल चुका है, और अब इनकी बारी है। बिल्कुल तुषार, जैसा हिमानी बता रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से यह कहा गया है कि यह जो जमीन खाली करवाई जा रही है, अवैध कब्जा जो किया गया है इतने भू माफियाओं की तरफ से, उन जमीन के ऊपर घर बनेगा तमाम गरीबों के लिए, मतलब गरीबों के भले के लिए सोच रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। आप दोनों ही बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लूंगी। लेकिन देखिए माफिया पर योगी के ताबड़तोड़ एक्शन पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से भी जी मीडिया संवाददाता तुषार ने बात की है, वो आप देखिए पहले। यूपी में माफिया राज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को लगातार ध्वस्त करने की कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सौंपी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। सर, किस तरह की कार्रवाई इन माफियाओं पर की जा रही है? कुछ माफिया ऐसे हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई का अनुश्रवण शासन स्तर से किया जाता है, ऐसे 25 माफिया हैं, और उसके अतिरिक्त करीब 10-11 माफिया ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से की जाती है, डीजीपी मुख्यालय स्तर से। तो इन सभी, इसमें से सभी लोग जेल के अंदर हैं और सभी ड्रेडेड माफिया हैं, और इनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा जा रहा है, इनके गुर्गों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसको कानूनी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, और इन्होंने जो असलाह वगैरह अर्जित कर रखे थे, सैंक्शन करा रखे थे, सभी चीज़ें जमा करा के विधिक प्रक्रिया के तहत उनको निरस्त कराया जा रहा है, और लगातार उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जो माफिया हैं, चाहे वो पूर्वांचल के हों, मध्यांचल के हों, पश्चिम के हों, सभी पे पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, और लगातार हम लोग का प्रयास है कि इस कार्रवाई से एक भयमुक्त वातावरण बने। चलिए, तो तुषार की रिपोर्ट भी आपने देखी और खुद तुषार भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई और ये बताया कि किस तरह से एक एक करके जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं भू माफियाओं के, जिनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, आप थर थर कांप रहे हैं भू माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत शुक्रिया हिमानी और तुषार आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ और अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब की बार किसकी सरकार।